चलिए बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग पिछले क्लास में स्पर्श रेखा का समीकरण पूरा कंप्लीट पढ़ लिए थे ना, बोलिए लोग। तो स्पर्श रेखा का समीकरण कंप्लीट पढ़ लिए थे, अब हम लोग को पढ़ना है, देखो ध्यान से, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है जैसे उसमें एक कंडीशन था, तुम लोग याद है, तीन को बताया था, तीन को स्पर्श रेखा का समीकरण मतलब तीन को रूप में बताए थे, पॉइंट फॉर्म यानी बिंदु रूप, दूसरा पैरामेट्रिक फॉर्म यानी प्रचलित रूप, तीसरा ढाल रूप यानी स्लोप फॉर्म, यही ना पढ़े थे। तो देखो बच्चा, ऐ सुनो मेरा बात, अब कहने का मतलब कि स्पर्श रेखा का समीकरण पढ़ लिए हैं, उसमें एक वीवीआई कॉन्सेप्ट था जो कि किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वो वीवीआई कॉन्सेप्ट क्या था वो देखो, हम बताए थे कि रेखा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी प्रीत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर को स्पर्श करेगा यदि स्पर्श करेगा कि करेगी देखो भाई, स्पर्श करेगी यदि करेगी कर दें स्पर्श करेगी यदि रेखा स्त्रीलिंग का देखो यदि सी बराबर क्या प्लस माइनस आर रूट अंडर, ये बता चुके हैं ना, कोनो दिक्कत? तो ये आप लोग के लिए वीवीआई है। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, इस पर एक क्वेश्चन अब आप लोग समझिएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है मेनली, ये बच्चा देखो क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखेंगे कि यदि रेखा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो प्रीत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर को स्पर्श करे तो शर्त क्या होगा, ऐसे ऑप्शन में रहता है। ध्यान सुनो मेरा बात, पहले इसको इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं, इंग्लिश में इसको द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टचेज द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इफ सी इक्वल टू कितना प्लस माइनस आर रूट अंडर वन प्लस एम स्क्वायर, यही ना था जी। इसमें देखो इसको इंग्लिश में लिखोगे, इफ द लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो टचेज द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर देन फाइंड कंडीशन, तो शर्त निकाले मतलब वही ऑप्शन में रहता है, यही शर्त ऑप्शन में रहता है, कंडीशन ऑप्शन में रहता है। देखो बच्चा, तो कहने का मतलब ये है कि ये लाइन क्या है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो लाइन जब एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो इसको हम लोग बदलेंगे तो बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस एक्स इधर जाएगा तो माइनस एक्स, प्लस सी उधर जाएगा तो माइनस सी, यानी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा लोग, वाई इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, नहीं होगा क्या?
तो देखो ए तो y इक्वल टू आ गया माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, यानी ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यानी के, y इक्वल टू एम एक्स प्लस के फॉर्म में हो गया। यहाँ पर k क्या है जी, c है, ठीक है। वेट, देखो एयरफोर्स में स्टूडेंट मतलब मेरे दोस्त हैं जो आए हुए हैं, शायद फोन कर रहे हैं, ठीक है। और देखो हेलो हेलो, हाँ बच्चा देखो ना, अरे लोल सा भाई देखो बतिया रहा है तुम लोग, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है तो m के जगह पर कितना माइनस ए बाई बी और c के जगह पर माइनस सी बाई बी, कोनो दिक्कत, बोलो क्लियर है ना। अच्छा देखो तो कंडीशन क्या है जी, c इक्वल टू प्लस माइनस आर रूट अंडर वन प्लस एम स्क्वायर, तो मान रख दो सी के जगह पर माइनस सी बाई बी रखना है ना, अरे कैपिटल सी है तो सी के जगह पर कितना माइनस सी बाई बी इक्वल टू प्लस माइनस आर, रेडियस तो रेडियस है आर है, और रूट अंडर वन प्लस एम स्क्वायर तो वन प्लस एम के जगह पर कितना माइनस ए बाई बी का स्क्वायर कर दो, कर देंगे तो ये बच्चा लोग का आ गया माइनस सी बाई बी इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो ना, रूट भी हट जाएगा तो दोनों तरफ स्क्वायर करो तो सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इधर हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू वन प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर आर स्क्वायर अब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई, एलसीएम ना हो जाएगा तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया तो आ गया सी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना हो गया, तो सी बराबर हो गया प्लस माइनस आर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस, याद रहेगा t बराबर प्लस माइनस आर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके लिए कंडीशन, इस लाइन के लिए कंडीशन आया है बच्चा, ये वाला लाइन के लिए कंडीशन आया है। देखो बुक है ना तुम लोग के पास, लाओ ना उस लूसेंट वाला, किसी के पास है तो उसमें है एक क्वेश्चन, यही सेम सेम क्वेश्चन होगा, लेओ वाला उसमें क्वेश्चन मतलब मिलवा देते हैं कि उसमें भी एक क्वेश्चन है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, तुम याद रहेगा इतना, जैसे स्थिति चल रहा है जॉब का वैसे हमको लग रहा है कि बउआ जॉब लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे, इसलिए पढ़ लो सब, पढ़ोगे तो जॉब तो हो जाएगा, ना पढ़ोगे तो ना होगा। चलो बच्चा एक क्वेश्चन लिखो तो सब कोई, पकड़ो यहाँ पर, हो गया इतना। नेक्स्ट है बच्चा क्वेश्चन लिखो, इफ द लाइन
इंग्लिश में, हिंदी में लिखते हैं, यदि रेखा पी एक्स प्लस क्यू वाई, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू जीरो ब्रीथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर को स्पर्श करे, स्पर्श करे तो है बच्चा देखो, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है लिख देते हैं, इंग्लिश में भी बोल देना क्वेश्चन। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ऑप्शन बी में दिया है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ऑप्शन सी में दिया है ए स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ऑप्शन डी में दिया है नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, ये क्वेश्चन बताओ कौन सा आंसर होगा, कौन होगा बी। देखो बच्चा, हम बोले हैं ना तुम लोग को, अभी बताए थे, सुनो, सी इक्वल टू कितना होता है, प्लस माइनस आर रूट अंडर वन प्लस एम स्क्वायर, है ना। तो सी, सी के जवाब पर कितना है आर, आर इक्वल टू प्लस माइनस आर। रेडियस के जवाब पर कितना है ए, है सी के जवाब आर है, लेकिन रेडियस के जवाब आर के जवाब कितना है ए है, और रेडियस है तो ए रख दो, और रूट अंडर बोलो साहब वन प्लस एम, तो एम क्या होता है लाइन का स्लोप मतलब ढाल, तो लाइन का ढाल कितना, देखो बच्चा याद रखोगे अभी स्ट्रेट लाइन में बताएंगे कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो का ढाल यानी स्लोप, क्या बोलते हैं इंग्लिश में स्लोप, कितना होता है माइनस बी बाई ए। इसका स्लोप कितना होता है जी, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो का स्लोप कितना होता है माइनस बी बाई ए। तो देखो ए, सुनो, अब कहने का मतलब ये है, देखो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखोगे तो द लाइन इतना टचेज द सर्किल इतना स्लोप माइनस ए बाई बी, हाँ हाँ ठीक है, माइनस ए बाई बी स्लोप होगा, माइनस ए बाई बी स्लोप होगा। तो एम के जवाब पर क्या लिख देंगे, माइनस ए बाई बी, अरे माइनस ए बाई बी लाए थे अभी इसके पहले वाला में, याद रखना है एम के जवाब पर स्लोप माइनस ए बाई बी, लेकिन ए के जवाब पर क्या रखना है, इसका स्लोप अगर निकालना है, इसका स्लोप मतलब ढाल, तो स्लोप माइनस पी बाई क्यू, क्या लिखोगे माइनस पी बाई क्यू, समझ में आ रहा है कोई दिक्कत, तो माइनस पी बाई क्यू, एम के जवाब पर क्या रख दोगे बच्चा लोग, माइनस पी बाई क्यू, स्क्वायर है तो स्क्वायर नहीं होगा क्या, तो आर इक्वल टू हो गया प्लस माइनस ए रूट अंडर वन प्लस पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, तो आर इक्वल टू प्लस माइनस ए क्यू स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा रूट अंडर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, नहीं हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस ए, हाँ आर के जहाँ पर ना सी, अरे रुक जाओ हम निकाल देते हैं, रुक जाओ इसके पहले वाला फॉर्मूला बोलो उसी पर रख देते हैं जो अभी टच कर रहे हैं, इधर नहीं लिखे थे वही वाला निकाला था ना कंडीशन, हाँ ये याद रखना, यहाँ क्या आया था भाई सी बराबर प्लस माइनस आर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी के जहाँ पर क्या लिखेंगे आर, ठीक है, कितना लिखेंगे आर, आ जाइए
ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। तो देखो एस सी इक्वल टू कितना था, प्लस माइनस आर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये यूज कर लो, ये यूज कर लो, सी इक्वल टू प्लस माइनस कितना था आर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला पिछला वाला अभी पीछे जो बताया था उसी पर कंडीशन। तो सी के जगह पर कितना रखेंगे, सी के जगह पर कितना रखेंगे जी आर, अब प्लस माइनस आर की जगह पर कितना रेडियस ए, और रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। नहीं हो गया क्या, तो कौन सा है जी, और रेडियस है जैसे देखो इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, तो ये होता है ए क्या है रेडियस, ए स्क्वायर रेडियस नहीं है, ए रेडियस है, समझ में आया। तो देखो हाई कब होता है एक्स प्लस, अभी जस्ट पीछे हम लोग पढ़े हैं कि नहीं, इस वाला में देखो यहाँ पर सी यूज किया है, यहाँ सी है इसमें, इसमें क्वेश्चन में यहाँ सी है तो सी है, लेकिन वहां सी के जवाब पर कितना है, सी के जवाब पर आ रहा था, सी के जवाब पर आर रख दिए, आर रेडियस के जवाब आर क्या है रेडियस, रेडियस के जवाब पर ए रख दिए, हो गया नहीं निकल गया। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी, क्योंकि इसको स्क्वायर कर दोगे दोनों तरफ तो आर स्क्वायर भाई ए स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, नहीं हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत। तो ये हो गया यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत, अरे बोलो क्लियर हो गया, चलो कोई डाउट बोलो, समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है बोलो। तो यहाँ तक मतलब ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम बता रहे हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जो कि इस कॉन्सेप्ट से नहीं बनाएंगे, दूसरे कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है या देखो बच्चा, दो को क्वेश्चन बता दे, एक तो दूसरा क्वेश्चन, यदि रेखा, रेखा कौन है जी है? फिल्म की नायिका हीरोइन की ना, जब पढ़ते थे हम तो मेरे साथ में एक मेरा दोस्त पढ़ता था, तो उसे सर पूछे कि रेखा, रेखा और बिंदु में क्या अंतर है, तो कब बोल रहा है कि रेखा फिल्म की नायिका को बोलते हैं, बिंदु फिल्म की खलनायिका को बोलते हैं, समझा। तो देखो यदि रेखा 3x प्लस 4y बराबर के वृत्त, एक वृत्त दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0 को स्पर्श करे तो k का मान होगा, को स्पर्श करे, को स्पर्श करे तो k बराबर, ऑप्शन ए बोलो तो बच्चा, ऑप्शन ए में क्या दिया है 40 10, ऑप्शन बी 40 माइनस 10, ऑप्शन सी में है -40 -10, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। अरे बच्चा सुनो, पहले मेरा बात समझो, थोड़ा सा तुम लोग समझना है, दिक्कत होगा तो बोलना। एक सर्कल हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ये सर्कल है, और एक स्ट्रेट लाइन। देख बच्चा ध्यान सुनना मेरा बात, यहाँ कॉन्सेप्ट इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है वो कॉन्सेप्ट हम तुम लोग को बता रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन ये है और ये एक स्ट्रेट लाइन इसको टच करके गया, एक स्ट्रेट लाइन बाहर है ना। तो इस पॉइंट से इस सेंटर, ये क्या है सेंटर ना, सेंटर सी मानो। अगर ये लाइन एल है, ए बच्चा ये लाइन क्या है एल, अगर ये लाइन एल है तो यह लाइन देखो इसका रेडियस कौन तुम लोग को पता है, ए बचवा सन है क्या है जी, लो है क्या है रेडियस, आ हई इस पर क्या परपेंडिकुलर, अरे बोलो तो सी है इसको मान लो, इसको पी, इसको क्यू है, इसको आर। ए बच्चा देखो ध्यान से, अगर ये लेंथ है सी पी, जो लेंथ है सी पी, देखो केस फर्स्ट यहां लिख रहे हैं पहल का,
अगर सीपी 8 से कम होगा तो लाइन एल इसको इंटरसेक्ट करके जाएगा दो पॉइंट पर, दिख रहा है? अगर लोलाई छोटा है, हाई रेडियस क्या है 12 है, तो सीपी यहां पर छोटा है आर से, तो लाइन एल तो रेखा एल वृत्त को क्या करेगा, वृत्त को पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके जाएगा, दो बिंदुओं पर, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चा लोग, इंग्लिश में बोलेंगे इफ सीपी लेस देन आर, मतलब हाई लेंथ, लेंथ सीपी लेस देन आर, देन द लाइन एल इंटरसेक्ट द सर्किल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, बोलो टू डिफरेंट पॉइंट्स। देखो है केस सेकंड, केस टू, यदि सीपी बराबर आर, क्या जी सीपी बराबर आर, अगर सीपी किसके बराबर, रेडियस के बराबर हो जाए, मतलब सी क्यू मतलब हाई लेंथ जो है आर के इक्वल हो जाए, मतलब ये सीपी लेंथ किसके इक्वल हो जाए, रेडियस के इक्वल हो जाए, तो क्या करेगा रेखा, तो रेखा वृत्त को स्पर्श करेगा, स्पर्श करेगी क्या जी, लो तुम लोग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पर बहुत ना ध्यान देता है, बोलो स्पर्श करेगी कि करेगा, करेगी, लो हो गया, अरे बोलो कौन दिक्कत, तू को हो गया कौन दिक्कत, देखने गांव में ऑर्केस्ट्रा होता है तो कुछ बनालका बैठ जाता है अधिया के सामने, स्टेजवा के सामने, स्टेजवा पर जाकर बैठ जाएगा, पैरवा फेंक देगा चौकिया पर, आप पैसा ले लेगा, पैसा ले कहेंगे देगा, वो थोड़ा सा हाथ उसका पकड़ लेगी तो वाह लगता है उसको कि बाप रे बाप, हम तब तब हम मेरा बहुत बड़का एथी है हाक है, उसके बाद जब उसका हाथ पकड़ लेगी तो वो दूसरे किसी की तरफ देखेगा, दिखाएगा कि मतलब हमारा रुतबा लोग देख रहा है कि नहीं क्या जी और जब सो के उठेगा तो पता चला कि बाप रे हाथ ना पैसा चल गई ठीक है ए बच्चा ए आ केस थर्ड में बताओ तो क्या होगा, अगर सीपी परा हो जाए रेडियस, रेडियस से तो वृत्त, तो रेखा, तो रेखा वृत्त को न तो स्पर्श करेगा, न तो स्पर्श करेगा, स्पर्श करेगी और न ही प्रतिच्छेद करेगी, बउआ सोनू, एगो सोनू प्रचलित हो गया, एगो सोनू को हम प्रचलित कर देंगे, समझा, देखो ये सोनू कुमार है, देखो बच्चा है वो पता ना आगे आईएस वाईएस बने चाहे नहीं बने, लेकिन बड़का नेता जरूर बनेगा वो, है बच्चा सुनो, अब इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन को बनाना है तो तुम कैसे बनाओगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ए बच्चा देखो ध्यान से, ए कि क्या बोला है कि हाई जो है मतलब लाइन जो है इसको टच कर रहा है, इंग्लिश में बच्चा आप लोग लिख सकते हैं कि द लाइन इफ सीपी ग्रेटर देन आर देन लाइन नाइदर टचेस नॉट इंटरसेक्ट द सर्किल, समझा सब, तो ए बच्चा यहां से समझो ये कॉन्सेप्ट पर अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहां पर सबसे पहले लाइन एक ड्रॉ करो, टच करके गया, टच करके गया तो ये सीपी जितना है, सी है पी है तो सीपी रेडियस के इक्वल हो गया, लाइन का इक्वेशन कितना दिया है 3x प्लस 4y अब माइनस के बराबर जीरो, लो 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 बराबर के हो गया, हाई बिंदु P है तो हाई ना लाइन का इक्वेशन है तो इसमें CP जितना है उतना ही रेडियस है, कौनो दिक्कत, तो बच्चा लोग थोड़ा सा आप लोग समझिएगा यहां इसका केंद्र कितना होगा, सेंटर
देखो ये सेंटर कैसे लिखते हैं, माइनस है, इसको तो हटाइए तो सेंटर लिखने में, यहाँ माइनस है तो प्लस लिखो, और दस का आधा पांच, वाई नहीं है, वाई कहाँ है, भाई वाई स्क्वायर ना, वाई नहीं है तो जीरो, यानी सेंटर पांच जीरो हो गया, सेंटर कितना पांच जीरो, कोनो दिक्कत, समझ में आ गया। तो सीपी इक्वल टू आर करके सॉल्व करेंगे बच्चा, थोड़ा सा ध्यान समझो तुम लोग, फिर से हम यहाँ पर उस सर्किल को ड्रॉ कर दें, तो ये सर्किल हो गया और ये यहाँ पर ये तुम्हारा फिर से इक्वेशन लिख दो, कितना थ्री एक्स प्लस फोर वाई बराबर के, ए बच्चा लोग सेंटर कितना था सी फाइव कॉमा जीरो, और यहां से इस पर मिला हुआ था, और ये रेडियस ना था जी, बच्चवा सन बोलो, अरे तुम ही लोग ना है यार, जिससे जिससे दुख सुख कहते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, क्या तो बोलो, दुख नहीं कहते हैं रे, गजब लेके आए रे, देखो पांच जीरो, देखो दुख का टाइम था तो तुम वही नहीं किया, देखो भाई पी है तो हाई रेडियस है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे सीपी इक्वल टू आर, और सॉल्व कर देंगे तो निकल जाएगा के का वैल्यू। तो अब बात है कि सर्किल का इक्वेशन कितना है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यही ना है बच्चा, एक कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन का है, हम बता दे रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन में पढ़ाएंगे हम, तो तुम लोग देखना है, अगर ए बच्चा लोग देखो, अगर ये पॉइंट पी है एक्स वन कोमा वाई वन, और ये क्यू है, और ये लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है, सुनो मेरा बात, अगर किसी पॉइंट से वीवीआई कॉन्सेप्ट तुम लोग एग्जाम के लिए, अगर ये पॉइंट पी है एक्स वन कॉमा वाई वन, इससे अगर इस स्ट्रेट लाइन पर तुम परपेंडिकुलर डाले हो, और इसका परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है, पी क्यू का लंबाई निकालना है, तो पी क्यू का लंबाई निकालने के लिए इस बिंदु को हम इसमें रख देते हैं रेखा में, देखना तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स वन एक्स के अपेक्ष वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अब बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रहेगा। तो पी क्यू का लंबाई क्या होता है, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो क्या बोल रहे हैं, नहीं देखिए अरे बच्चा देखो, तो यहाँ सीपी निकालना है, तो सीपी लेंथ ना है, तो इस बिंदु को इस रेखा में पुट करोगे, साफ लोले है सबका रे, तो हई रेखा को इस रेखा को मना लो कि प्लस के को आप हेने भेज दीजिए, रेखा मान जाएगी, मान जाएगी, देखो थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस के इक्वल टू जीरो था, मतलब इक्वल टू के था, तो माइनस के नहीं हो जाएगा, मान गई कि नहीं, देखो ए अब पांच जीरो को इस रेखा में रख दो उसके अकॉर्डिंग, भाई लंबाई है ना है, अरे गधा नौवा दसवा में पढ़ा है स्कूल में कि जो वृत्त है उससे जो केंद्र मतलब पास करता है वह मतलब उस किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है, तो परपेंडिकुलर होता है, तो सीपी निकालेंगे, तो सीपी पांच जीरो इसमें पुट करो, ए पांच जीरो तो एक्स के जगह पर पांच, तो तीन गुने पांच अब प्लस चार गुने जीरो माइनस के अब बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर, अब बराबर कितना बच्चा आर, आर रेडियस कितना, इसका रेडियस निकालना है, सुनो इसका रेडियस कैसे निकालोगे, तो आर इक्वल टू रूट अंडर भाई पांच है तो पांच का स्क्वायर पच्चीस, आ जीरो है तो जीरो का स्क्वायर, आ सी तो हमें हिले नहीं है तो जीरो, यानी कितना पांच आ गया, रेडियस कितना गया पांच, यहाँ पांच रख दो, कोनो प्रकार का दिक्कत प्रॉब्लम समस्या कॉस्ट है कोनो कॉस्ट, आ कॉस्ट है तो सब कॉस्ट का निवारण है मेरे पास, तू खाली बोलना भाई, देख चार गुने जीरो जीरो भाई कितना पांच तिहाई के पंद्रह है, पंद्रह माइनस के अब बटा प्लस माइनस पांच, अरे कोऑर्डिनेट निकालना है इसलिए प्लस माइनस यूज किया है बस और कुछ नहीं, तो देखो यहाँ पर पंद्रह माइनस के बराबर पचास पच्चीस होता है, तो एक बार प्लस यूज करो, तो पंद्रह माइनस के बराबर पच्चीस, तो पंद्रह माइनस पच्चीस बराबर के माइनस दस, एक बार माइनस वाला, तो पंद्रह माइनस के बराबर माइनस पच्चीस, तो माइनस पच्चीस इधर जाएगा तो चालीस बराबर के, तो कौन कौन आया चालीस, चालीस और माइनस दस, चालीस और माइनस दस, यानी कौन सा ऑप्शन होगा बच्चा लोग, चालीस और माइनस दस ऑप्शन बी, अरे हमको बनाना होता तो हाथना कॉन्सेप्ट थोड़े ना बताते,
तुरंत इतने दूर में बन जाता, अरे ना बन जाता रे लोग, लेकिन उतना समझाना था इसीलिए इतना हम बता दिए। एक में कंसेप्ट आ गया सब, जो बताए हैं वो भी आई है, समझे आप लोग कोनो प्रकार का दिक्कत। अब थोड़ा मेरे दोस्त एयरफोर्स वाले आए हैं, थोड़ा उनसे बात कर लिया जाए, ठीक है ना, पर उस पर नहीं आएगा क्योंकि वह सर्किल है, सुन पहले मेरी बात, वह सर्किल कौन था स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन यहाँ सर्किल कौन है जनरल फॉर्म में, इसलिए नहीं लगेगा, समझा, उस पर इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये जनरल फॉर्म में सर्किल है, और वो जो फॉर्मूला बता है वो केवल किसके लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्किल के लिए, समझा बात, कोई दिक्कत, इसीलिए हम हाई कॉन्सेप्ट बताए हैं। बोलो सब, थोड़ा बात कर लिया जाए उनसे थोड़ा, ठीक है, बातें हैं उनको भी बुलाया जाए, रिकॉर्ड होते रहेगा, हाँ हाँ बिल्कुल अपलोड करेंगे, कुछ भी नहीं।